खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तलवी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है भाईजान यानी सलमान खान की रेस 3, उनके जीवन की अनोखी फिल्म होगी। ये भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर अटलांटा कश्यप ने की है। हालांकि अटलांटा ने रेस 3 के लिए ये भविष्यवाणी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 अप्रैल को ही साझा कर चुकी हैं। अटलांटा के हिसाब से रेस 3 के सितारे बुलंद हैं और ये फिल्म पहले हफ्ते में 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो जाएगी, जबकि इसका टोटल न्यूमेरोलॉजिकल अमाउंट कोड 693 होगा। बता दें कि अटलांटा ने काले हिरन केस में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद सबसे पहले बेल की भविष्यवाणी की थी, जो 100% सच हुई। ज्योतिष विद्या में माहिर अटलांटा इसके अलावा भी संजय दत्त को लेकर भी भविष्यवाणी कर चुकी हैं और इनकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई। अब एक बार फिर से अटलांटा का गणित बताता है कि रेस 3 सलमान खान की अब तक सबसे बेहतरीन फिल्म में होने वाली है। बता दें कि फिल्म रेस 3 ईद के मौके पर 15 जून को सिनेमाघरों में होगी। वहीं रेस 3 में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, डेजी शाह, अनिल कपूर, फ्रेडी दारूवाला, नरेंद्र झा, साकिब सलीम मुख्य भूमिका में हैं और इस फिल्म को मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। रेस 3 के इन सितारों का गणित फिल्म की कामयाबी के लिए एकदम सुटेबल है। अटलांटा के अनुसार न्यूमेरोलॉजिकल अमाउंट कोड के हिसाब से अटलांटा ने इस फिल्म के सभी सितारों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक मैजिकल पावरफुल नंबर का जन्म किया है, जो कि फिल्म के लिए अच्छे संकेत देता है। बता दें कि न्यूमेरोलॉजिकल अमाउंट के मुताबिक सलमान खान का कोड है 6, जो कि फिल्म में सिकंदर का रोल प्ले करेंगे। वहीं बॉबी देओल का नंबर है 8, जो कि यश की भूमिका में होंगे। डेजी शाह का नंबर होगा 1, जो कि फिल्म में संजना होंगी। वहीं अनिल कपूर का नंबर है 3, जो कि आरडी को स्टार बने हैं। फिल्म में फ्रीडी दारूवाला का नंबर होगा 3, जो कि राणा के रोल में दिखेंगे। जैकलिन फर्नांडिस का मैजिकल नंबर है 6, जो कि फिल्म में जैसिका हैं। वहीं साकिब सलीम का नंबर है 1/2, जो कि सूरज का रोल प्ले करेंगे। अटलांटा कश्यप की माने तो इन नंबरों के कॉम्बिनेशन में एक अनोखे मैजिकल पावरफुल नंबर का जन्म हुआ है, जिनकी संख्या और पॉजिटिव इनकी एनर्जी का फिल्म को भरपूर सहयोग मिलेगा। इसमें एक जोड़ी नंबर ऐसे हैं जिसके प्रभाव के कारण ज्योतिष नंबर के गेम में थोड़ी दिक्कत आती है, मगर उसका असर ऑडियंस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसमें 100% में से सिर्फ 1% थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली है और वो भी ना के बराबर। रेस 3 15 जून को रिलीज होगी। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस साल ऐसे नंबर कॉम्बिनेशन वाली मूवी आने के ना चांस हैं। अटलांटा ने कहा कि यह सिर्फ बड़ी हिट फिल्म नहीं होगी, बल्कि कमाई के भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, इसीलिए इस फिल्म को अभी से हमारी शुभकामनाएं। न्यूज़ रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।